हेलो क्लास गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टुडे आई हैव कम विथ माय सेवेंटींथ लेक्चर वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू जीके जनरल नॉलेज इन दिस क्लास वी लर्न अबाउट ब्रांचेज ऑफ साइंस चैप्टर फिफ्टीन ब्रांचेज ऑफ साइंस विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर वन टू फोर्टीन। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट चैप्टर फिफ्टीन ब्रांचेज ऑफ साइंस सो बी रेडी एंड ओपन योर बुक एंड नोटबुक इन दिस चैप्टर यू हैव टू गिव इन द नीम ऑफ ब्रांचेज ऑफ साइंस आपको कुछ विज्ञान की कुछ शाखाओं का नाम दिया गया है उसको क्या कहा जाता है उस शाखा को उसको सामने आपको बॉक्स में भर देना है ठीक है के करके हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे आप एक बार फिर से ध्यान दें ये लेक्चर नंबर सेवेंटीन है और लेक्चर नंबर आप जरूर नोट करो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और इसको बहुत ध्यान से देखो और पूरा वीडियो पढ़ो पूरा वीडियो देखो वन नंबर स्टडी ऑफ प्लांट्स आप अपने बुक में देखें वन नंबर में लिखा गया है स्टडी ऑफ प्लांट्स इट मीन्स पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्टडी ऑफ प्लांट्स पौधों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं तो यहां बॉक्स में भरना था हमने भर दिया उसको हम बोटनी कहते हैं उसको हम बोटनी कहते हैं इसका अर्थ वनस्पति विज्ञान होता है क्या होता है वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं उसे बोटनी कहा जाता है बी ओ टी एन वाई बोटनी और एक और भी स्टूडेंट आप सभी के लिए एक और बात बताना चाहूँगा कि इस बुक के लास्ट में आंसर दिया गया है उसमें बहुत सारे आंसर गलत हैं सो so, आप उस पर ध्यान नहीं दें और जो भी मैं आपको बताता हूँ वो मैं सही आंसर मैं आपको लिखाता हूँ उस पर उसको आप नोट करो और उसी को याद करो बुक में दिए गए आंसर पर ध्यान नहीं दो उसको देख कर के बुक में नहीं भरो जब मैं बताता हूँ उसको भरो ओके हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैंसर इज ए वेरी डेंजरस डिजीज और उसके जो उसका जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं लिखा है मैंने ओ एन सी ओ एल ओ जी वाई ऑनकोलॉजी जी ओ एन सी ओ एल ओ जी वाई ठीक है स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनोविकार का अध्ययन किया जाता है इट मींस जिसके दिमाग में बीमारी हो जाती है जो मेंटल डिसऑर्डर में आते हैं जिसे पागल भी बोला जा सकता है जब आदमी का दिमाग काम नहीं करता है तो वो पागल की तरह हो जाता है तो ये मेंटल डिसऑर्डर उसको कहा जाता है इंग्लिश में तो इसकी इसका जो अध्ययन करता है और जिस शाखा के अंतर्गत इसका इलाज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप इसे बहुत ही ध्यान से देखो तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटल डिसऑर्डर का साइकीट्रिस्ट कहते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट साइकिएट्रिस्ट उसका स्पेलिंग होता है पी एस वाई सी एच आई ए टी आर आई एस टी एस हमने स्पेलिंग लिख दिया है यहाँ पे यहाँ बॉक्स कम था तो मैंने बना के लिख दिया है हम यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार फिर से स्पेलिंग देखें पी एस वाई सी एच आई आर आई टी आर आई एस टी एस साइकी कहा जाता है आपको अगर इसका नाम पढ़ने में दिक्कत होता हो तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन को लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ इसको कहा जाता है साइकी साइकिएट्रिस्ट इसको आप पढ़ने के लिए अगर आपको उच्चारण करने में इसका दिक्कत हो रहा हो तो मैं जो प्रोनाउंसिएशन इसका कर रहा हूँ उसको तुम अपने नोटबुक में नोट करो ये लिख करके और उसके नीचे नोट करो साइकिए कहा जाता है इसको क्या कहते हैं साइकिएट्रिस्ट ओके साइकिएट्रिस्ट इज ए मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस समझ गए यहाँ ये जो होते हैं एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो मनोरोग से संबंधित बीमारियों की अध्ययन करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसको साइकिएट्रिस्ट कहा जाता है क्या कहा जाता है साइकी थ्री नंबर कंप्लीट हो गया अब फोर नंबर देखेंगे फोर नंबर में क्या है स्टूडेंट नंबर में है स्टडी ऑफ बोन्स एंड इट्स डिजीज स्टडी ऑफ बोन्स एंड इट्स डिजीजे हड्डी और उससे संबंधित जो बीमारी होता है उसका अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं फोन नंबर है उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम क्या कहते हैं स्टूडेंट सॉरी 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 न्यूरोज न्यूरो फोर नंबर का उसको हम बोलते हैं अर्थो पेडिएटिक्स अर्थो पे डी अर्थोपेडिक्स अर्थो पे, ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है क्या कहा जाता है स्टूडेंट ऑर्थोपेडिक्स स्पेलिंग है ओ आर टी एच ओ पी ए ई डी आई सी एस ऑर्थो पेडिक्स ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है उसको आप इसका प्रोनाउंसिएशन लिख सकते हैं ऑर्थो कहा जाता है क्या कहते हैं स्टूडेंट ऑर्थोपेडिक्स कहा जाता है ठीक है ऑर्थोपेडिक्स ठीक है ये इसके इस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत हड्डियों का, का और उससे संबंधित बीमारी जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है ये फोर नंबर का आंसर हो गया अब हम फाइव नंबर देखेंगे फाइव नंबर में है हमारा स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट न्यूरोलॉजी फाइव नंबर का आंसर होगा न्यूरोलॉजी स्पेलिंग है एन ई यू आर ओ एल ओ जी वाई एक बार फिर से ध्यान दीजिए एन ई यू आर ओ एल ओ जी वाई न्यूरोलॉजी फाइव नंबर का आंसर है न्यूरोलॉजी ठीक है स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है ठीक है उसके बाद में आ, हम सिक्स नंबर देखेंगे स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीजेज स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीजेज विज्ञान की भाषा खा जिसके अंतर्गत हम ब्लड यानी खून से संबंधित जो बीमारी होता है उसका ट्रीटमेंट और अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं तो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर वन जो लिखा गया था वहाँ एच लिखा गया था और बीच में एक बॉक्स छोड़ा गया था तो वहाँ पे कुछ भरना नहीं था वो गलती से वहाँ दिया गया था और बीच में स्पेस दिया गया था जबकि यहाँ स्पेस नहीं होना चाहिए इसलिए हमने फर्स्ट लेटर को मिटा मिटा के और उसी को अगले बॉक्स में लिख दिया इसका सही आंसर होगा हेमाटोलॉजी हेमाटोलॉजी हेमाइटोलॉजी इसको बोल सकते हैं हेमाटोलॉजी एच ई एम ए टी ओ एल ओ जी वाई हेमाइटोलॉजी स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए ये बड़ा बड़ा नाम है और इसका आपको नाम पढ़ने में अगर दिक्कत होता हो तो हेमाइटोलॉजी जो बोला जा रहा है आपको प्रोनाउंसिएसन इसका जो किया जा रहा है उसको आप अपने नोटबुक में लिख लो ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो हिंदी में उसे लिख लो कि उसे जैसे यहाँ न्यूरोलॉजी बोला गया तो तुम हिंदी में लिख लो न्यूरोलॉजी ठीक है पढ़ने में आपको सुविधा रहेगा इसी इसी तरह से हेमाटियो हेमाटोलॉजी हिमाटोलॉजी तो ये हो गया स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीजेज ठीक है स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीजेज हिमाटिलॉजी कहा जाता है ठीक है ये सिक्स नंबर का आंसर हो गया ठीक है इस तरह से हमने पहला बताया आपको आंसर बोटनी फर्स्ट का आंसर बोटनी होगा बी ओ टी ए एन वाई सेकेंड में मैंने बताया ऑनकोलॉजी ओ एन सी ओ एल ओ जी वाई थर्ड नंबर में मैंने बताया साइकियट्रिस्ट पी एस वाई सी एच आई आर आई एस टी एस उसके बाद में फोर्थ नंबर में हमने बताया नंबर में मैंने बताया था आपको ऑर्थो पैडी पैडिक्स ऑर्थोपैडिक्स कहा जाता है उसको ओ आर टी एच ओ पी ए डी आई सी एस एक बार फिर से ध्यान दीजिए स्पेलिंग ओ आर टी एच ओ पी ए डी आई सी एस उसके बाद न्यूरोलॉजी मैंने बताया एन ई यू आर ओ एल ओ जी वाई उसके बाद हेमाइटोलॉजी एच ई -E एम ए टी ओ एल ओ जी वाई हेमाइटोलॉजी बताया मैंने इसका रेस्ट पार्ट हम सिक्स से ट्वेल्व सेवन से ट्वेल्व तक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू ए नाइस डे